हेलो एवरीवन, ये मेरा लेक्चर नंबर 28 है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको एलोट्रॉप ऑफ ऑक्सीजन के बारे में बता रहा था, जिसमें डाई ऑक्सीजन के बारे में मैंने पढ़ा दिया। आज पढ़ाने जा रहे हैं ओजोन के बारे में। ओजोन, ओजोन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है O3। लिखते हैं कि ओजोन इज एन एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। इट इज प्रेजेंट इन, ये पाया जाता है, इट इज प्रेजेंट इन अपर एटमॉस्फेयर फॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी रेज। अगर देखें हम लोग कि वायुमंडल में डाई ऑक्सीजन है और यही यूवी रेस के प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाता है ओजोन में। ये है ओजोन। देखते हैं इसका प्रिपरेशन, हम लोग देखते हैं। अच्छा, ये क्या करता है? ये बचाता है अर्थ सरफेस को फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स द अर्थ सरफेस फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। हम देखते हैं इसका प्रिपरेशन, किसको बनाते कैसे हैं। लिखते हैं ओजोन इज prepared by putting silent electric discharge through pure dry cold dye oxygen in उस डिवाइस का नाम है जहां पर हम लोग पुट कर रहे हैं इसको, साइमेंस ओजोनाइजर एक ऐसा डिवाइस है जिसमें ऑक्सीजन हम लोग डाल के क्या करते हैं, ओजोन को बना सकते हैं हम लोग। इसका रिएक्शन है कि 3O2 साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, मतलब होता है स्पार्कलेस, किसी तरह के स्पार्क नहीं होना चाहिए, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, और ये कन्वर्ट हो जाता है ओजोन में 2O3। और जो रिएक्शन है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इसका पॉजिटिव है 142.6 किलो जूल पर मोल। मतलब जो रिएक्शन होगा वो इंडोथर्मिक होगा। कैसे? तो यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन देख रहे हैं हम लोग कि पॉजिटिव है, मीन्स रिएक्शन जो है वो इंडोथर्मिक है। अगर यही निगेटिव होता तो रिएक्शन जो होता वो एक्सोथर्मिक होता। अब हम लोग बात करते हैं इसका प्रॉपर्टीज के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन। लिखते हैं पहला कि इट इज पेल ब्लू गैस। पेल मतलब फीका, लाइट। इट इज पेल ब्लू गैस कमा डार्क ब्लू लिक्विड एंड वायलेट ब्लैक सॉलिड। दूसरा, सफोकेटिंग एंड पंजेंट ऑर्डर। तीसरा, स्लाइटली सॉल्यूबल इन वाटर। फोर्थ, हम लोग देखेंगे कि पहला तो ये पेल ब्लू गैस है, सफोकेटिंग ऑर्डर है, स्लाइटली सॉल्यूबल इन वाटर है, और देखिए हैवियर देन एयर। फिफ्थ, ऑक्सीडाइजिंग एक्शन। लिखते हैं कि ओजोन एक्ट्स एज स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ नेसेंट, मतलब नवजात न्यूली बॉर्न को बोल रहे हम लोग नेसेंट ऑक्सीजन। रिएक्शन देखिए हम लोग कि O3 जो है वो थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल होता है, तो ये टूट जाएगा O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, और यही नेसेंट ऑक्सीजन के कारण ये काम करेगा एक स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। तो लिखते हैं कि ओजोन ऑक्सीडाइजेज, ओजोन जो है वो ऑक्सीडाइज कर पाएगा ए नंबर I2 को, HIO3 में, बी नंबर P4 को ये ऑक्सीडाइज कर पाएगा H3PO4 फास्फोरिक एसिड में, सी नंबर PbS को ऑक्सीडाइज कर पाएगा PbSO4 में, और हम लोग देखिए डी नंबर तो ये I2 हो गया PbS, तो यही देखते हैं हम लोग, तो ये ऐसा कर पाएगा कि I2 के चाहिए 3 में, P4 को H3PO4 में, PbS को PbSO4 में ऑक्सीडाइज कर पाएगा। तो हम लोग पहला नंबर देखते हैं I2 को HIO3 में, सबसे पहले ऑक्सीजन ओजोन लीजिए, इसको डिकम्पोज कीजिए O2 प्लस O में। अब I2 को आपको चेंज करना है HIO3 में। मैंने नाइट्रिक एसिड में आपको बताया था कि कभी भी हमको ऑक्सीडाइज करना है तो नेसेंट ऑक्सीजन डेफिनेटली यहाँ पे लेंगे, और अगर हाइड्रोजन होगा तो यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल लेंगे, अगर यहाँ हाइड्रोजन नहीं होता तो वाटर का मॉलिक्यूल लेने का जरूरत नहीं है। बैलेंस कीजिए, यहाँ पे आयोडीन 2 है, डाइहाइड्रोजन हाइड्रोजन भी 2 है, तो यहाँ पे 2 ले लीजिए। ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे 2 × 3 = 6 है, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ पे हमको लेना होगा 5। नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ पे 5 है, यहाँ नेसेंट ऑक्सीजन 1 है, तो इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कीजिए 5 टाइम्स से, तो ये 5 नेसेंट ऑक्सीजन, ये 5 नेसेंट ऑक्सीजन कैंसिल हो गया। अब जोड़ के लिख दीजिए जो भी है, तो ये हो गया I2 प्लस 5 × O3, तो 5O3 प्लस H2O, ये बना 5O2 प्लस 2HIO3। ये था पहला नंबर। दूसरा नंबर देख रहे हैं फास्फोरस को फास्फोरिक एसिड में, हम लोग बी नंबर देखेंगे कि P4 को फास्फोरिक एसिड में चेंज करना, ऑक्सीडाइज करना, कैसे, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 0 है, अगर यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो प्लस 5 है। कैसे आया सर प्लस 5, तो हम जानते हैं डाइहाइड्रोजन का प्लस 1 होता है, कितना है तो 3 प्लस x, एक ऑक्सीजन का माइनस 2 होता है, तो 4 ऑक्सीजन है, तो × 4 0, तो 3 प्लस x माइनस 8 इक्वल टू 0, तो x माइनस 5 इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल टू प्लस 5। हम लोग देखें अगर, तो पहले मैंने बताया कि ओजोन को आपको चेंज करना है O2 प्लस इसमें ऑक्सीजन में। अब जिसको ऑक्सीडाइज करना है उसको रिएक्टेंट में, जिस चीज में करना है उसको प्रोडक्ट में लिखना है। अब नेसेंट ऑक्सीजन डेफिनेटली लेना है, हाइड्रोजन है तो आपको यहां पे लेना पड़ेगा, वाटर नहीं रहता तो नहीं लेते। अब देखिए बैलेंस कीजिए, फास्फोरस 4 है, यहाँ पे 1 है तो 4 ले लेंगे, डाइहाइड्रोजन यहाँ 12 है, यहाँ 2 है तो 6 ले लेंगे, ऑक्सीजन 16 है, 6 ले चुके हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे 10 लेंगे, नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ 10 है, यहाँ नेसेंट ऑक्सीजन 1 है, तो इस पूरे इक्वेशन को गुणा करेंगे 10 टाइम्स से। अब ये 10 ऑक्सीजन नेसेंट, ये 10 नेसेंट ऑक्सीजन कैंसिल, अब क्या होगा, लिख देते हैं इसको P4 प्लस 10O3 P4 प्लस 10O3 प्लस 6H2O, ये बनेगा 10O2 प्लस 4H3PO4, दैट्स इट। एक लास्ट है सी नंबर PbSO4 में, अगर हम देखें कि कैसे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो देख रहे हैं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइज हो रहा है। यहां पर भी ओजोन को पहले आप डिकम्पोज कीजिए O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, राइट। अब क्या करते हैं हम लोग कि जिसको ऑक्सीडाइज करना है उसको रिएक्टेंट में, जिस चीज में ऑक्सीडाइज करना है उसको प्रोडक्ट में, अब सब कोई कर लेंगे।
अब नेसेंट ऑक्सीजन लेंगे ही लेंगे डेफिनेटली। अब क्या करते थे कि अगर प्रोडक्ट में हाइड्रोजन रहता था तो वाटर लेते थे, लेकिन यहाँ प्रोडक्ट में हाइड्रोजन नहीं है तो लेने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे ऑक्सीजन चार है, यहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन एक है तो इसको गुना करेंगे चार से। यहाँ पे चार नेसेंट, यहाँ पे नेसेंट एक, इसको भी गुना करेंगे चार से। अब ये फोर नेसेंट है, ये फोर नेसेंट कैंसिल, जो बच्चा उसको लिख दीजिए PbS प्लस 4O3 4O2 प्लस PbSO4 दैट्स इट। अब बात करते हैं इसका डिकम्पोजिशन का कि ओजोन डिकम्पोज करता है कि नहीं, ओजोन का डिकम्पोजिशन का बात करते हैं तो लिखेंगे कि ओजोन डिकम्पोजेस इनटू डाई ऑक्सीजन एट 475 केल्विन। आप देख सकते हैं कि ओजोन को हम लोग डिकम्पोज कर सकते हैं डाई ऑक्सीजन में, कितने टेम्परेचर पे, 475 केल्विन पे। और ये जो डिकम्पोजिशन है वो कैटलाइज्ड होगा बाय MnO2 कैटलिस्ट या फिर प्लैटिनम ब्लैक कैटलिस्ट से, और ये टूट जाएगा। और इसका जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगा वो -285.4 किलो जूल पर मोल। तो ये क्लियर है कि यहाँ पे साइन निगेटिव है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का, तो लोग बोल सकते हैं ना कि रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है, मीन्स इससे 300 लगभग अप्रॉक्स 300 किलो जूल एनर्जी जो है वो इससे रिलीज हो रहा है। अब हम लोग बात करते हैं इसका स्ट्रक्चर का, स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन। तो सबसे पहला कि ओजोन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 18 है, तो हम लोग ऐसा स्ट्रक्चर देखेंगे इसका ओजोन का। SO2 के आइसो इलेक्ट्रॉनिक है ये, गिन लीजिए आप, 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16, 2, 18। हम लोग इसका रेजोनेंस भी देख लेते हैं। रेजोनेंस का मतलब होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम लोग देखें तो ऐसा ऐसे इसको लिख सकते हैं। अब मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन गिनने के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जितना ज्यादा रहता है उतना क्या लगाते हैं हम लोग माइनस, एक ज्यादा है तो एक माइनस। यहाँ पे ऑक्सीजन का गिन लीजिए 1, 2, 3, 4, 5 जितना कम है उतना हम लगाते हैं प्लस। तो ये देख लीजिए एक दिया है और एक यहाँ पे लिया है। अब हम लोग देख सकते हैं कि ये एक पाई है और ये एक सिग्मा है, तो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स मींस इसका इलेक्ट्रॉन इसको और इसका इलेक्ट्रॉन इसको दीजिए, देखिए कैसा होने वाला है। ऑक्सीजन का ये रहा, अब ये डबल बॉन्ड था, ये हो जाएगा सिंगल और इधर हो जाएगा डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड है तो 4 और सिंगल बॉन्ड है तो 6 इलेक्ट्रॉन विथ निगेटिव, और यहाँ ये ऑक्सीजन पे जो हो जाएगा वो पॉजिटिव चार्ज लग जाएगा। इसका वो हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना है तो दोनों बॉन्ड को डीलोकलाइज कर पाएंगे, इसलिए हम लोग इसको ऐसे भी दिखाते हैं, ठीक है। अब दोनों का बॉन्ड लेंथ सेम होता है, ठीक है। ये है आपका स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन। अगर हम लोग बात करें इसका यूजेस का, तो ओजोन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं वाटर को स्टेलाइज करने में, पीने लायक पानी बनाने में। ओजोन का काम हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में भी करते हैं। ऑक्सीजन का काम हम लोग ब्लीचिंग एजेंट में भी काम करते हैं। तो इसका एक और देख ही लेते हैं हम लोग, ब्लीचिंग एक्शन, ब्लीचिंग एक्शन। तो लिखते हैं ना कि ओजोन एक्ट्स एज ब्लीचिंग एजेंट, एक्ट्स एज ब्लीचिंग एजेंट ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन। हम लोग देखें कि O3 को डिकम्पोज करते हैं, थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होता है इसलिए डिकम्पोज कर जाता है O2 प्लस O-। कोई भी कलर्ड कंपाउंड ले लें और उसको नेसेंट ऑक्सीजन से ट्रीट करें तो उसको ना ये कलरलेस कंपाउंड में चेंज कर देगा, कलरलेस कंपाउंड। अब हम लोग बात करते हैं अबाउट सल्फर। तो लिखते हैं
कि सल्फर जो है वो सेकेंड मेंबर है ग्रुप 16 का यानी चालकोजेंस का, ओके, और इसका एटॉमिक नंबर 16 होता है विथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, राइट। अब हम लोग बात करते हैं कि लिखते हैं कि सल्फर इज अवेलेबल इन मेनी एलोट्रॉपिक फॉर्म्स, टू मेन फॉर्म्स आर डिस्कस्ड बिलो। दो टू मेन फॉर्म को हम लोग डिस्कस करेंगे जिसमें हम लोग लिखते हैं सल्फर, उसको इसका दो एलोट्रॉपिक फॉर्म हमने बताया था कि एलोट्रॉपिक फॉर्म मतलब कि जब कोई एलिमेंट एक या एक से अधिक फॉर्म में पाया जाता है जिसमें उसमें इसमें स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग या मोड ऑफ अटैचमेंट में डिफरेंस होने के कारण उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग हो जाता है, तो उसी चीज को हम लोग बोलते हैं, उस घटना को बोलते हैं एलोट्रॉपी, और जो अलग अलग फॉर्म मिलता है उसको बोलते हैं एलोट्रॉपिक फॉर्म्स। तो सल्फर का दो ठो है, एक रॉम्बिक सल्फर जिसको हम लोग अल्फा सल्फर के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा है मोनोक्लिनिक सल्फर जिसको हम लोग बीटा सल्फर के नाम से भी जानते हैं। तो इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं रॉम्बिक सल्फर लिखते हैं इसको, हम लोग अल्फा सल्फर भी बोलते हैं, कि इट इज prepared by evaporating solution of sulfur in a dish. It is yellow in color. Its melting point is 385.8 Kelvin. Right? It is insoluble in water, but dissolves to a small extent. कम मात्रा में ये dissolve करता है, dissolve to a small extent in benzene, alcohol, ether. अगर इसका हम स्ट्रक्चर का बात करें रॉम्बिक सल्फर का, तो क्रॉन टाइप का स्ट्रक्चर था, क्रॉन का मतलब होता है मुकुट टाइप का स्ट्रक्चर होता है, आप इसको यहां पे देख सकते हैं कि मुकुट टाइप का स्ट्रक्चर है SH का, ओके, ये सब सल्फर का मॉलिक्यूल है। ये बॉन्ड एंगल 107 डिग्री का और ये बॉन्ड लेंथ 204 पिकोमीटर होता है, और ये स्ट्रक्चर है एसेट का, स्ट्रक्चर ऑफ एसेट मॉलिक्यूल मींस रॉम्बिक सल्फर। अब हम लोग दूसरा देखने जा रहे हैं मोनोक्लिनिक सल्फर लिखते हैं कि इट इज प्रिपेयर्ड बाय मेल्टिंग रॉम्बिक सल्फर इन ए डिश टिल एंड कूलिंग इट in a dish and cooling it till crust is formed. क्या बोले कि हम लोग मेल्ट करेंगे रॉम्बिक सल्फर को एक बर्तन में, डिश में, कटोरा टाइप में, और उसको ठंडा करेंगे तब तक जब तक एक लेयर का निर्माण नहीं हो जाए, राइट। तो इट टिल क्रस्ट इज फॉर्म्ड लिखेंगे कि टू होल्स, दो ठोस में छेद करेंगे, टू होल्स आर मेड इन क्रस्ट,
एंड रिमेनिंग वाटर ईच पोर्ड आउट. क्या करेंगे कि उस क्रस्ट में दोनों छेद कर देंगे, जिससे जो बचा हुआ पानी है उस क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा. आफ्टर रिमूविंग क्रस्ट, जब क्रस्ट को हटाए हम, आफ्टर रिमूविंग क्रस्ट ए कलरलेस नीडल टाइप क्रिस्टल ऑफ मोनोक्लिनिक सल्फर इज फॉर्म्ड. क्या क्या बोले हम कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रॉमिक सल्फर को मेल्ट करेंगे एक डिश में, मींस एक कटोरा में, और उसको हम लोग क्या करेंगे, ठंडा करेंगे तब तक जब तक ये क्रस्ट का निर्माण नहीं हो जाए. उसमें दो छेद करेंगे और उसे जो बचा हुआ पानी उसको बाहर करेंगे, और उसके बाद उस क्रस्ट को हटाने के बाद एक कलरलेस नीडल टाइप क्रिस्टल मिलेगा. किस चीज का? तो मोनोक्लिनिक सल्फर का. अब हम लोग बात करते हैं कंपाउंड्स ऑफ सल्फर, जिसमें पहला पढ़ेंगे हम लोग सल्फर डाई ऑक्साइड SO2. SO2 नाम है इसका, सल्फर डाई ऑक्साइड. सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसका फिल्ट्रेशन, और फिल्ट्रेशन में भी सबसे पहला पढ़ेंगे लैब मेथड. देखेंगे कि बाय हीटिंग कॉपर टर्निंग विथ कंसंट्रेटेड H2SO4. क्या करेंगे हम लोग, कॉपर के टर्निंग को हीट करेंगे. टर्निंग में सुबह खुरदरा छिला हुआ पतला लेयर को हम लोग हीट करेंगे कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ. रिएक्शन देखिए कि कॉपर ले लें और कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ इसको ट्रीट करें तो ये बना देगा कॉपर सल्फेट प्लस SO2 प्लस वाटर. बैलेंस करेंगे. यहाँ पे हम लोग देखें कि सल्फर यहाँ पे एक और एक यहाँ पे दो हो गया, तो यहाँ भी दो लेना होगा. डाइहाइड्रोजन चार हो गया, तो यहाँ पर भी हम लोग को दो लेना पड़ेगा. डाइहाइड्रोजन दो था तो यहाँ भी डाइहाइड्रोजन दो कर दिए. अब बैलेंस देखते हैं, चार दुना आठ ऑक्सीजन है, चार दो छह दो आठ, ये पहला था. दूसरा बाय रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड ओस. रोस्टिंग का मतलब होता है हीटिंग सल्फाइड सोन इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन. कैल्सिनेशन का मतलब होता है हीटिंग कार्बोनेट ओर्स इन द प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन या इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड ओर, जैसे मैंने हम लोग ZnS प्लस O2 जिंक सल्फाइड, तो ये बनाएगा ZnO प्लस SO2. बैलेंस करते हैं हम लोग, यहाँ भी दो ले लीजिए, यहाँ पे तीन ले लीजिए, यहाँ भी दो लीजिए, यहाँ भी दो ले लीजिए, और ये बैलेंस है. दूसरा FeS2 नाम है इसका आयरन पाइराइट प्लस O2, ये बना देगा Fe2O3 प्लस SO2. बैलेंस करते हैं, यहाँ पे चार ले लीजिए, यहाँ पे दो ले लीजिए. ओके, अब सल्फर यहाँ पे आठ है, यहाँ पे आठ ले लीजिए. आठ दुना सोलह और छह 22 ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे दो है तो 11 दुना 22, और हमको मिल गया सल्फर डाई ऑक्साइड. ये दूसरा था. अगर इसका नेक्स्ट मेथड देखें प्रिपरेशन का, तीसरा नंबर, तो बाय हीटिंग सल्फर इन द प्रेजेंस ऑफ या बाय बर्निंग ऑफ सल्फर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन डाई ऑक्सीजन एस प्लस O2 बर्न कर दीजिए तो ये बना देगा SO2. लेकिन अगर S8 लिखें, एक ही रिएक्शन है प्लस O2, तब ये बनाएगा 8 SO2. यहाँ भी बैलेंस करने के लिए 8 लगा देंगे. अब ये था प्रिपरेशन. अब बात करते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ SO2. सबसे पहला फर्स्ट, इट इज कलरलेस गैस विथ पंजेंट सफोकेटिंग ऑर्डर.
पंजेंट सफोकेटिंग ऑर्डर का मतलब हुआ कि कड़वा तीखा गंध होता है, दम घुटने वाला इसका स्मेल होता है। दूसरा हैवियर देन एयर। तीसरा इट इज एन एसिडिक ऑक्साइड। फोर्थ सॉल्युबल इन वाटर एंड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ SO2 इज एसिडिक। आप रिएक्शन देख लो, SO2 प्लस H2O ये बनाएगा H2SO3 और H2SO3 इज डाई बेसिक, क्या चीज है, एसिड है, डाइबेसिक एसिड है। नंबर हो गया इसका फोर। अगर आगे देखें हम लोग पांचवा नंबर ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन लिखते हैं कि SO2 इज कैटालाइटिकली ऑक्सीडाइज्ड। SO2 इज कैटालाइटिकली ऑक्सीडाइज्ड इनटू SO3 इन द प्रेजेंस ऑफ V2O5 in the presence of vanadium pentoxide catalyst। रिएक्शन देखिए कि SO2 plus O2 ये बना देगा 2SO3 और कैटलिस्ट था V2O5 और इसका एंथाल्पी ऑफ रिएक्शन है -196.6 किलो जूल पर मोल। अगर हम देखे ये नंबर फाइव था, सिक्स्थ नंबर रिएक्शन विथ Cl2। तो हम रिएक्शन देखें कि SO2 प्लस, या इसको हम लोग दे दे एडिशन रिएक्शन के नाम से इसको लिख सकते हैं हम लोग। एडिशन रिएक्शन मीन्स ऐड हो जाएगा कोई भी कंपाउंड इसके साथ, जैसे देखते कौन कौन हो जा सकता है, तो SO2 प्लस Cl2 डायरेक्ट ऐड करेगा और ये बना देगा SO2 Cl2। नाम इसका आप लोग जानते होंगे, सल्फ्यूराइल क्लोराइड। फिर देखें SO2 प्लस PbO2 ये बना देगा PbSO4, राइट। SO2 प्लस O2 ये बना देगा SO3। ओके okay? और ये